अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे पास ये काडा की ये मशीन है गैस कंप्रेसर के लिए, जो कि इस्तेमाल होती है घरेलू गैस के लिए। ये मशीन की जो किट है, इसकी जो आगे वाली नॉब होती है वो टूट गई थी, जिसकी वजह से हमें किट चेंज करनी पड़ी है। और ये नई किट है जो कि बहुत सस्ती मिलती है बाज़ार से, तकरीबन 100 रुपये की ये मिल जाती है। तो इसको चेंज करने के लिए पहले हमने क्या करना है कि इसकी पुरानी किट हमने इस तरीके से उतार लेनी है। और ये हमारे पास नई किट है, ये देखें, इसके मैं आपको पॉइंट दिखा रहा हूँ, जो इन वाले हैं उनमें डायरेक्ट जो पावर आ रही है हमारी वो लगेगी, और जो आउट वाले हैं उनमें जो मोटर की पावर की तारें हैं वो लगेंगी। जो इन वाली तार है उसको हम टांगों के ज़रिए लगाएंगे इस तरीके से, इस तरीके से इसको टांगों के ज़रिए लगा लेंगे। ये देखें, इसको सोल्ड हमने अच्छी तरह करना है ताकि बाद में हमें कोई परेशानी ना हो। ये देखें, ये इसके जो दरमियान वाला पॉइंट होता है इसको हमने छोड़ देना है, और साइडों वाले दोनों पॉइंटों को हमने अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारी अपडेट्स मिलती रहें और हम इसी तरह आपके लिए वीडियोस बनाते रहें। ये जो हमारी मोटर होती है ये 220 वोल्ट की मोटर होती है, डायरेक्ट बिजली पर चलती है, इसके लिए हमें कोई ट्रांसफार्मर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लिहाजा अगर आप इसको ये इस किट के बगैर डायरेक्ट चलाएँगे तो डायरेक्ट भी चल जाएगी, लेकिन इस किट में ये जो लगा होता है तो तेज़ और आहिस्ता करने वाला, इस वजह से हमें इस किट की ज़रूरत पड़ती है। देखें, जो ये मोटर की तारें हैं वो जैक के ज़रिए हमने दूसरी साइड पे लगा देनी है। ठीक है, किट हमारी रेडी है, अब हमने इसको बॉडी में फिट कर देना है। इसमें इसकी बॉडी में दो सुराख होते हैं, बल्ब का होता है और दूसरा उस नॉब का होता है जो कि इसके प्रेशर को कम ज़्यादा करती है। दूसरी साइड से हमने इसका नट कस देना है, जिससे हमारी ये जो है किट वो बॉडी में फिट हो जाएगी। सिंपल सा काम है ये करना, ये आप खुद घर पर भी कर सकते हैं। मैकेनिक के पास लेके जाएंगे, वो 400-500 मांग लेगा आपसे, जबकि आपका सिर्फ कम से कम भी 100-150 में ये काम घर में ही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको मैंने कस दिया मैंने अच्छी तरह प्लास के ज़रिए फ्रंट से, अब किट हमारी फिट हो गई है। चले आए, इसको चला के चेक कर लेते हैं। अब देखें, इसका मैं इसकी मैं तार लगा रहा हूँ इधर से, देखें इसकी मैं जब नाप घुमाऊँगा तो ये ऑन हो जाएगी। देखें, लाइट जल गई है, ये ऑन हो गई है और काम कर रही है। ये मैंने इसको बंद किया नॉब से तो इसकी लाइट